हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गुसाई फैमिली ब्लॉग में। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। काम कुम सारा हो चुका है मेरा और आज है करवा चौथ। तो सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और अभी तो बस नाश्ता बना दिया मैंने इनके लिए, ये कर रहे हैं नाश्ता। तो आज छुट्टी भी नहीं है, आज ऑफिस जाना है, तो मैं इनको बोली हूँ रात को टाइम पे आ जाना घर। तो आज मैंने बनाए इनके लिए दाल के पराठे, गांव की दाल थी, पराठे हैं, चटनी है, ये मक्खन और ये दही, दही तो नहीं खा रही है। और आज मैं इनको बोल रही हूँ जल्दी आना ऑफिस से घर। तो जल्दी कैसे आए भाई, ऑफिस का काम खत्म हुआ तभी तो टाइम पे आएंगे। और वैसे भी चंदा मामा भाई बहुत देर में आता है। नहीं नहीं, जल्दी आ जाते हैं, 8-9 बजे तक, 10 बजे से पहले चंदा मामा आ जाएंगे। अरे ऐसे मत बोलो, देख लेना। तो दोस्तों मैं तो भाई नाश्ता कर रहा हूँ, किरण तो ले रही है बर्थ, सभी आज तो सभी लेडीजों का बर्थ होगा भाई, तो जेंट्स लोगों को तो उन्होंने सब नाश्ता वास्ता बनाए हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाश्ता बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं इसके बाद जाऊँगा मार्केट और मुझे कुछ सामान वामान खरीदना है जो इसने मंगाया हुआ है। तो वो भी थोड़ा बहुत जो कल रह गया था हमारा, वो सामान हमने आज अब लेने जाता हूँ इसके लिए। तो दोस्तों आपको मिलता हूँ मैं मार्केट में, देखता हूँ बना पाता हूँ कि क्या, मतलब कैसे बनाता हूँ। अकेला तो बनती नहीं है वीडियो को, मार्केट में भीड़ भी बहुत ज्यादा है, भीड़ भी काफी है। ये कितने की है? 10 रुपए। पीछे 20 की दो निकाल दियो, दो निकाल दे वाली, ये दो किटकैट छोटी 5, ये 10 वाली दो। कितने की है? दो दे दो। तो दोस्तों मैं आया हूँ सैफ्रॉन बेकरी, वो कह रही थी कि मेरे को प्योर चॉकलेट का सेट चाहिए, तो उसमें चॉकलेट का सेट बनाना पड़ेगा मेरे को। तो भाई दोस्तों किरण के लिए भाई जैसे उसने बोला था बहुत दिन पहले, तो वैसे उसके लिए गिफ्ट तैयार हो गया और बाकी सब घर में जाके पैक करूंगा आप मैं। तो गाइस ये पापा बाजार से आ चुके हैं और पापा ही कुछ लाए मम्मी के लिए गिफ्ट, तो ये पता नहीं क्या पापा ने मुझे दे दिया कि इसको तैयार कर पहले, तो पहले देखता हूँ कि इसमें क्या है जो मुझे तैयार करना पड़ेगा। ये लाए हैं पापा, पता नहीं कुछ बफे टाइप लग रहा है, आई थिंक चॉकलेट्स हैं इसमें। हाँ तो आई थिंक इसको मतलब चॉकलेट को इसमें सजाना पड़ेगा। पापा कुछ इतनी सारी चॉकलेट्स आ रखे हैं और इतनी चॉकलेट मैंने एक साथ ज़िंदगी में पहली बार देखी है, पापा मम्मी के लाए हैं। तो अभी इनको इसमें मतलब डेकोरेट वगैरह करूँगा इसमें, फिर फैसले मम पापा मम्मी को देंगे। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लगाना है इसको, इसमें मुझे आता नहीं है वैसे, लेकिन ट्राई करते हैं। हमेशा मिलते हैं टाइप में, क्या है ये? और दिन एक चॉकलेट रहती है, आज बहुत सारी है। आज एक चॉकलेट में टंगा रहे थे, आज मैंने तो खाली नहीं है बच्चों। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वाला गिफ्ट? आप मुझे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा यार। कैसे लगा आपको हमारा? नानू की मजा आ गई। कैसे लगा आप जरूर मतलब कमेंट में लिखना, कैसा लगा खानी हमने। मुझे लगता है ये खुश हुई है
कुछ और ही चाहिए होगा इसको, आपको समझ ही गए होंगे। नहीं, आप हमेशा ही देते हो, ये तो ये हमेशा ही मिलता है, पर आज थोड़ा अलग ही अंदाज में, अलग ही उसमें दे रखा है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो गाइस मम्मी पापा को जो शुगर है, अच्छा दिख रहा है शुगर है, बल्कि किसने का शुगर है, तो एक एक टॉफी दे देंगे, मारी भैया और मैं खा लेंगे। अच्छा शुगर है, किसने का मुझे शुगर है? नीरा था, शुगर है बस। हां तुम ही सर है, ये खाने की सोच रहा है इसलिए ये वो कर रहा है। ठीक है, वो तो खाऊंगा ही मैं तो। तेल तेल ला रखा है और क्या, मेरा पति कब आएगा फिर मिलने? मेरा पति का है, मेरा पति। अभी मैंने इस हाथ में मेहंदी लगाई, इस हाथ की तो मेरी मेहंदी ये रची है, देखा कितनी अच्छी रची है मेहंदी, मैं अब लगाऊंगी। ठीक है, लगा लेंगे तो लेफ्ट हैंड से, फिर ऐसे ही एक गोला तो बनाना है। अच्छा इसमें तो मैंने लगा दिया, क्या कर रही थी इसका? भाई तो चेरी के यार लग रहा है टीका, ओए होए चेरी। हां पे गोल लगाइए इसके, गोल। हां ये लड़का है ना, इसके गोल। हां इधर आ, काटेगा तो मुझे तो, इधर आ, इधर आ चिंटो, नहीं काटेगा यार ऐसे, कैसे चिंटो बच्चे लगाए पर बस। तो दोस्तों अब मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस, और किरण का भाई बर्थडे है, तो भाई किरण पानी वानी अगर पीने का मन करे तो पी लेना, सर में दर्द हो तो भाई कुछ खा लेना, और कुछ कोई जबरदस्ती नहीं है कि बर्फ पूरे दिन भर लेना ही है। पहले गिफ्ट मिल ही गया ना, गिफ्ट भी मिल ही गया है एडवांस में, और भाई जीवन है तो सब कुछ है भाई, पहले अपना शरीर का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लेना ही लेना है। ठीक है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखियो, ध्यान रख, ज्यादा एक्साइट में तो ये हो जिससे कि तेरा को मतलब जल्दी से जल्दी चक्कर आ गया कि तेरे को बर्थडे से चक्कर चुप रहो यार, ऐसे नहीं होता। ठीक है चल, तो मैं फिर ऑफिस से निकल रहा हूं। टिफिन रख लिया? टिफिन रख लिया है, और इसके जो भी लंप नाम के ले जाना, कहां कुणाल का 11 नंबर भाई, दोस्तों मैं पहनता हूं 9 नंबर, कुणाल पहनता है 11 नंबर जूता, बताओ पता नहीं मेरे आएगा नहीं आएगा, आएगा आराम से आएगा, निकलेगा वो, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं मतलब पड़ा होगा, तो होगा ही पड़ा वो तो, अरे लोकल है ना वो तो, इसमें सारे बाप रे कुणाल, ये देखिए क्या लूज हो रहा है और क्या, हाँ तो अच्छा भी नहीं लग रहा आपके पैर, बाप रे कुणाल ये भाई हमारे घर में हाथी कहाँ से पैदा हो गए, ऐसे क्यों बोल रहे, हाथी को बोलूंगा उसको क्या बोलूंगा, पैर सबके ही पंजे सबके चौड़े हैं आपके, ठीक है चौड़े, पर फिर भी इतना 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 बड़ा पंजा, हाँ अब बोलो इतना बड़ा पंजा, बाप रे ये तो कर देगा सबको गंजा, ये तो कर देगा सबको गंजा भाई, इतना बड़ा पंजा। चलो ठीक है बाय। ये भाई अर्जुन का भाई करण, क्या है तेरा नाम? मेरा नाम सागर है। सागर, सागर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम गौरव है। गौरव यहाँ मेकअप चल रहा है मेरा, कितना मेकअप करोगे? कथा नहीं पढ़नी? कथा कौन सुनाएगा भैया, मैं नहाया नहीं हूँ। तू कभी नहाता भी है? अब मैं पढ़ रही हूँ कथा, और ये मम्मी की शादी की चुन्नी, इसको 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 शाम को ओढ़ लेंगे, तो अब कन्नू सुनाएगा मुझे कथा, उसके बाद जाएंगे हम छत में, थोड़ा फोटो शूट करेंगे अपना, और भूख तो नहीं, भूख तो बिल्कुल नहीं लगी है, थोड़ा प्यास लगी है, गला सूख रहा है, कई लोग तो मतलब कथा के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं, कई जनों ने पहले से ही मतलब वो करा रहता है, हम तो सीधा रात को ही पानी पियेंगे, उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे, और बस इतना ही। पापा कितने बजे तक आएंगे? पापा आ जाएंगे, पापा 9 बजे तक आएंगे। अभी पापा का भी कॉल आया था मम्मी को, पापा को इतनी टेंशन हो रही मम्मी कहीं चक्कर खा के पड़ तो नहीं गई तेरी मम्मी। वैसे मैं आपको छत में लेके जाता हूँ और आपको छत से दिखाता हूँ कौन कौन है। मम्मी भी आ चुकी है अब, नहीं नहीं ये दो दो कैमरा मैन आ रखे हैं, पर इन दोनों ने अभी तक मेरी एक फोटो अच्छी नहीं खींची, या तो ये फोन ही खराब हो गया, या तो ये दोनों की वो
फ़ोटो खींचने का वही नहीं है सगोर इन दोनों को, खासकर ये अपनी तो इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटो निकालता है, मेरी इसने एक फ़ोटो नहीं निकाली अच्छी। फिल्टर लगाता है ये तो, फिल्टर लगा के भी तो नहीं आ रही अच्छी। अब नानू बोलेगा शकल ही अच्छी नहीं है तो फ़ोटो कहाँ से अच्छी आएगी। भाई तो मम्मी अभी गुस्सा हो चुका है कि तुम मेरी फ़ोटो नहीं खींच पा रहे ढंग से। अब मतलब शक्ल मतलब जैसे शक्ल होगी भाई वैसे तो फ़ोटो आएगी, अब क्या करें। पापा आएंगे, पापा ही पापा से ही खिंचवाना। पापा जब खींचेंगे ना वो फोटो देखना और अपनी वाली देखना, तब बताना कि कौन सी। हाँ हाँ ठीक है। एक घंटे से छत में रखा हूँ मुझे, पर एक फोटो नहीं खींची उन्होंने, एक भी फोटो। गाइस फोटो खींच रखी लेकिन मम्मी की आंखें खराब है ना, मेरे पास की नज़र खराब है तो मम्मी को धुंधली दिख रही है फोटो। कोई नहीं पापा से खिंचवाना। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6 और यहाँ मम्मी की हालत खराब हो चुकी है भूख से। मेरी हालत कुछ नहीं हो रही है, मम्मी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। भूख नहीं लग रही, मेरा हो रहा सिर दर्द। मेरा वो तो रोज का ही है, वो तो रोज ही होता है आपका सिर दर्द। रोज नहीं होता, आज हो रहा सिर दर्द। तो कह रहे मम्मी को कह रहे थे कि हमें को गिफ्ट तो मिल ही चुका है तो गिफ्ट का उद्घाटन भी कर देते हैं। गिफ्ट मेरा है वो, मैं जब मेरा खाना तो हमने है, आपको तो शुगर है। हाँ तो हमने पागल है शुगर, शुगर कैसे क्यों बोल रहा, तो शुगर है शुगर है शुगर। तो गिफ्ट मेरा है, जब मेरा मन होगा, जब मेरा खाने का मन होगा तो मैं खोलूंगी उस गिफ्ट को, मैं तेरे को थोड़ी दूंगी। अरे खोल देते हैं ना यार, देखते हैं कि देखते कितने रुपए। नानू यहाँ पे पापा देखते कितने रुपए खर्च करे अपन ने। चलो नानू यहाँ पे मस्का मार रहा है कि एक चॉकलेट दे दी जाए नानू को, तो क्या बोलते हैं। बहुत मस्त मस्त चॉकलेट है, तूने ही पैक करी ना तो तूने सब, तुझे सब पता है। खोलेंगे खोलेंगे, चलो ना खोलते हैं। नहीं अभी नहीं। तो दोस्तों ये भी आ गए ऑफिस से घर, आज बेसब्री से आपका इंतजार था, आपका और एक चांद का इंतजार है बेसब्री से। हम तो आ गए, अब चांद देखो कब तक आएगा। वही तो, आप तो आ गए, एक चांद तो आ गया, एक चांद अभी आया नहीं। दोस्तों हम तो आ गए भाई ऑफिस से, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था ये भाई, मैं कोशिश करूंगा 9 बजे तक आने की, लेकिन फिर भी मैं 8 बजे पहुंच गया। 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं अभी, तो 7 बजे मैं घर पहुंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी लंबी उम्र के लिए अपना व्रत रखा, सुबह से पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, थूका घुटाक भी नहीं करा है आपने। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभारी है आपके, जो आप सभी औरतों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने पतियों के लिए आज व्रत ले रही है, और चलो ठीक है फिर, अब करते हैं हम दूसरे चांद का इंतजार। अरे इसके तो अच्छी हो गया, टीका अच्छा लग गया इसके, और आज चेरी के सर में भी टीका लगा है, और चिंटू का है, चिंटू ऊपर, आज चिंटू के भी टीका लगा दिया भाई हमने, नीचे होगा भाई लगाना। तो दोस्तों मैं तो नहा धो के तैयार हो गया हूँ, और श्रीमती जी किचन में बना रही है पूरियां, और वेट कर रहे हैं हम दोनों चांद के आने का, क्योंकि वो भी थकी है सुबह से, भूखी भी है, पानी वानी भी नहीं पिया है, तो काफ़ी टफ जो है वो बर्थ है ये, इसमें पानी नहीं पी जाता आपको तो पता ही है। तो अभी देखते हैं किचन में जाके कि क्या कर रही है। तो ये बन रही है यहाँ पे पूरियाँ, मेरे से पूरी भी नहीं बन रही, थक गई ना तो सुबह से भाई, थक नहीं गई किरण, थक गई है तो उससे भाई काम नहीं हो पा रहा ज्यादा। नहीं ऐसे भी क्या थकी है, थकी कुछ नहीं हूँ आज तो भाई, तो बिल्कुल पहाड़न लग रही है, पहाड़न ही है मुझे, मतलब वैसी पहाड़न मतलब कभी कभी लगती है, तो ऐसे बन ठन के तो रहती नहीं है, क्या करना बन ठन के। तो दोस्तों चांद आ गया है और अब हम जा रहे हैं छत में, और ये पहले ही पहुंच गई यहाँ।
सोने बन के सच होते हैं, खून के भी रिश्तों से अच्छे होते हैं, आंसुओं को पी कर भी मुस्कुराते हैं। मुँह हल्का सा लगा लो ना मुँह का। फोटो खिंचा लो। मेरे उत्तराखंड में बादलों के उड़ के